हेलो और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे टिनटिन व्लॉग्स में। तो आज जो हम गाड़ी लेके आए बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, क्योंकि जब गाड़ी सेल पोस्ट पे आ रही थी ना, तो इतनी जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रही थी। क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हूँ जहाँ पे सेलर्स ने अपने कस्टमर्स को ऐड करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे जैसे ही वो डाल रहे थे सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट हो रही थी बहुत फटाफट। सो फाइनली एक सेलर के पास मुझे कलर मिल गया और बहुत अच्छे रेट पे भी मिल गया। सो ये है वॉक्सवैगन की बीटल, और स्पेशली ये वाला कलर ना मेरे को बहुत टाइम से लेना था। मेरे पास एक्चुअली इसका लाइसेंस वर्जन है, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है लाइसेंस वर्जन नहीं है, बट स्पेशली मुझे ये कलर चाहिए था और इसलिए मैंने अपने कलेक्शन में ऐड कर लिया। और आप लोग भी जरूर करना इस, ये आप कहाँ से ले सकते हो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और लिंक्स वगैरह मैं अपने इंस्टा प्रोफाइल पे आपको डीएम पे दे दूँ। सो कर लेते हैं रिव्यू इस वॉक्सवैगन बीटल का। सो ये है बॉक्स, वैसे ये बॉक्स मुझे इसका लग नहीं रहा है, बट ठीक है, मैंने इसी में आई थी गाड़ी। सो निकाल लेते हैं इस बॉक्स में से इसको, और ये रही वॉक्सवैगन बीटल जो कि है येलो कलर। तो ये गाड़ी को देख के ना गाना याद आता है, वो आता है ना मन्नू भाई मोटर चली, तो उस टाइप का ही गाना याद आता है इस गाड़ी को देख के। सो बहुत बहुत क्यूट लग रही है, और स्पेशली ये कलर ना बहुत जल्दी सोल्ड आउट भी हो रहा था येलो वाला, तो फाइनली अब मेरे हाथों में है। सो बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। जो फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसके जो हेडलाइट्स हैं वो ग्लास के हैं, कट एंड फिनिश बहुत प्रॉपर दिया हुआ है ये वाली बीच वाली लाइन। बम्फर इसमें जो दिया है बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे इसके लाइट्स का कुछ ऑप्शन मीन्स मेंशन किया गया है, और फ्रंट में इसमें कुछ भी ओपनेबल पार्ट्स नहीं है, बट लाइसेंस वर्जन नहीं है, बट जो इसका डिज़ाइन और मॉडल जो दिया हुआ है वो एक्चुअल जैसे ही दिया हुआ है प्रॉपर। साइड की अगर बात करें तो साइड प्रोफाइल में गेट आप देख सकते हो सिंगल डोर है, और व्हील्स जो इसके दिए हैं वो भी एकदम प्लेन से दिए गए हैं, और इसमें ओपनेबल पार्ट जो हैं इसके गेट हैं और वो भी फुल डोर ओपन होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इंटीरियर की बात करूँ ना, तो इंटीरियर में जो सीट वगैरह दिए ना जैसे पहले आती थी वैसे ही दिए प्रॉपर। स्टीयरिंग बहुत अच्छी दी गई है, डैशबोर्ड काफ़ी अच्छे से मेंशन है। ऑल दो लाइसेंस वर्जन नहीं होने के बाद ना जो क्वालिटी है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा वाली अच्छी है, इसलिए जल्दी जल्दी सोल्ड आउट भी हो रही थी। तो इसके कर लेते हैं हम गेट बंद। एक बार आप ऐसे भी देख लो जब गेट ओपन होता है तो फ्रंट से इस टाइप की दिखती है गाड़ी, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके कुछ फोटोग्राफ्स अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे आ सकते हो tintin_vlogs पे। सो हम बंद कर लेते हैं इसके गेट जो कि फुल डोर है, और मुझे फुल डोर वैसे ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसका फ्रंट प्रोफाइल ना देख देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ देखते हुए इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली कलर। और पेंट फिनिश भी ना मैं बताऊँ आपको एकदम ग्लॉसी है, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा मेक है। मतलब यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं लिखा है कि गाड़ी किसने बनाई है, बट बहुत सही है, कलर बहुत अच्छा दिया हुआ है, फिनिश बहुत प्रॉपर है, कोई भी शार्प एजेस नहीं है। बहुत मतलब आपको कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है और इस कलर का है तो ठीक है, बट इट्स योर चॉइस कि अगर आपको फिर भी कलेक्ट करना है तो आप ये कर सकते हो। बैक प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप देख सकते हो बैक प्रोफाइल भी एक्चुअल दी है, बम्फर वैसी दिया हुआ है। टेल लाइट जरूर इसमें ना पेंटेड है, ग्लास की नहीं है। फ्रंट वाले हेडलाइट जो है वो ग्लास की है। ग्लास के नीचे जो डिज़ाइन आती है वैसी वो भी दी है। नंबर प्लेट यहाँ पे कुछ वैसा मेंशन नहीं, नंबर प्लेट के ऊपर लाइट वाला ऑप्शन दिया वो भी दिया हुआ है। सो ओवरऑल गाड़ी की अगर बात करो तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, आपको डेफिनेटली कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। आपको कैसे लगी आप बिल्कुल कमेंट करके बताना। सो आपको कैसी लगी वॉक्सवैगन बीटल आप बिल्कुल कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।